जानलेवा वैश्विक महामारी कोरोना से मुकाबला कर रहे बिहार को एक बड़ा झटका लगा है। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी और सफाई कर्मी शनिवार को हड़ताल पर चले गए हैं। पिछले 2 महीने से इन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण कर्मचारियों ने आज काम बंद कर दिया और पटना एम्स को सरकार ने कोविड-19 का एक विशेष हॉस्पिटल बना रखा है। ऊपर से कर्मचारियों का आज ये हड़ताल, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी और सफाई कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने के बाद यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हड़ताल पर गए नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी और सफाई कर्मियों का कहना है कि पिछले 3 महीने से वे सभी लोग कोविड-19 में काम कर रहे हैं, इसके बावजूद इनको पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। कर्मियों का आरोप है कि काम के दौरान संक्रमित होने के बावजूद ना तो उनका और ना ही उनके परिवार के सदस्यों का इलाज एम्स में हो पा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले राजधानी पटना में RMRI के एक साइंटिस्ट समेत 8 टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण वहां कोरोना जांच रोक दी गई है। अब 19 जुलाई तक यहां जांच नहीं की जाएगी। यहां एक दिन में 2000 से ज़्यादा कोरोना सैंपल की जाँच की जाती थी। इस बीच पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी और सफाई कर्मी हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य विभाग की उलझनें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं।